स्वागत है आप सभी का एसएस न्यूज में, मैं आपके साथ मुस्कान। कोलार जिले के श्रीनिवासपुर तालुका में मौजूद डीसीसी बैंक के करीब आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मंच पर बात करते हुए कन्नड़ भाषा के बजाय स्पीकर रमेश कुमार ने किया तेलुगु भाषा का इस्तेमाल। इस कार्यक्रम के चलते हजार से अधिक महिलाएं इस कार्यक्रम में शामिल नजर आई है, तो वहीं साथ ही साथ इस कार्य के बाद जब मंच पर तेलुगु भाषा का इस्तेमाल करने के बाद संवाददाताओं द्वारा पूछे गए सवाल के पूर्व सीएम सिद्धरामैया के बयान पर भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन पर बोले स्पीकर रमेश कुमार के, अगर इस तरह पूर्व सीएम सिद्धरामैया ने बयान दिया है जिस पर भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, तो इस बात को सच समझा जा सकता है। इस तरह का बयान देते नजर आए चिकबल्लापुर शहर के श्रीनिवासपुर तालुका से स्पीकर रमेश कुमार। ಮಾತಾಡುವಾಗ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆನ ನನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತಿಗೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರಂದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ ಥರ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅವರು 5 ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯ ಆಳಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಹಳ ಜವಾಬ್ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೇಕು. एसएस न्यूज से जुड़े हर लेटेस्ट जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एसएस न्यूज को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले न्यूज देखने के लिए बेल आइकॉन पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर इस चैनल से जुड़े हर नए मुद्दे आपको पसंद आए, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें, और लगातार अपडेट के लिए देखते रहिए एसएस न्यूज।